बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सारे हमारे अतिथिगण पहुंच चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो दरवाजे पर भी खड़े हैं और प्रवेश द्वार से हमारे इस ऑडिटोरियम में, सभागृह में प्रवेश कर रहे हैं। सभी से निवेदन है कि प्लीज बैठे। हमारे जो गणमान्य अतिथि हैं, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनके आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, तो प्रोग्राम को थोड़ा सा ट्विस्ट और थोड़ा सा चेंज करते हुए हम अपनी परफॉर्मर को पहले मंच पे इनवाइट कर रहे हैं ताकि म्यूजिकल इवनिंग को हम शुरू कर सकें। सभी से निवेदन है कि कृपया अपने अपने स्थान पर बैठें। जो भी लोग खड़े हुए हैं, आज बैठने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर है। काफ़ी सारी खाली कुर्सियाँ आप सबका इंतजार कर रहे हैं। मैं निवेदन करती हूँ सभी से कि आप कृपया अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। हमारे इंडियन आइडल के परफॉर्मर्स जो कुछ ऐसे सिंगर्स हैं, ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं जिनको कि हमने इंडियन आइडल की सीजन 12 में देखा है, जिन्होंने जजेस का दिल जीत लिया, जिन्होंने अपने ऑडियंसेस का दिल जीत लिया, जिन्होंने इतने खूबसूरत गीत गाए हैं, कुछ बहुत ही सुंदर बॉलीवुड के गीत, सूफी म्यूजिक, रेट्रो म्यूजिक, हर तरह के सॉन्ग्स इन लोगों ने गाए हैं। कुछ ऐसे वंडरफुल परफॉर्मर्स आज हमारे साथ हैं। जो सबसे पहले हमारे बीच आएंगी, जिनका नाम है सैली आमले, एक बहुत ही सुरीली आर्टिस्ट हैं। इन्हें हमने वॉइस ऑफ इंडिया में भी देखा है, मम्मी के सुपरस्टार्स रियलिटी शो में भी देखा है, एंड ऑफ कोर्स इन आइडल से तो इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली। ये बहुत फेमस हुई और उसके बाद दर्शकों के दिलों पे इन्होंने राज किया है। एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर है, बचपन से ही इन्हें गाने का शौक रहा है। महाराष्ट्र में ही पैदा हुई, वहीं पर पली बढ़ी हैं और हम सब जानते हैं कि कितनी उम्दा कलाकार हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आइए बैठे और एंजॉय करते हैं आज के सुंदर से प्रोग्राम को, म्यूजिकल इवनिंग को हम पहले शुरू कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे गणमान्य अतिथि जिनका इंतजार है, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जैसे ही वो पहुंचेंगे तब जो हमारा फॉर्मल प्रोग्राम है उसे हम शुरू करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, we're beginning with the musical part of our evening, wherein we have a wonderful performer who's been a part of Indian Idol season 12, and she has ruled our hearts, and she's really won accolades from her audience. Ladies and gentlemen, we're getting ready to present to you her performance so that we can enjoy her melodious voice. Aur us khubsurat awaaz mein kuch khaas geet, kuch bahut hi sundar songs ab hum sunne ja rahe hain. तो आइए अब उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मिलकर सेलिब्रेशन को बढ़ाते हैं और मस्ती की पाठशाला में चार चांद लगाते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी सी परफॉर्मर सैली आमले को मंच पे बुलाते हैं और जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत जोरदार तालियों के साथ आइए अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का। वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वंडरफुल परफॉर्मेंस। बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी से निवेदन करते हैं, हमारे सभी अतिथियों से, कि कृपया अपने अपने स्थान पर बैठें और आज के अब प्रोग्राम को विधिवत फॉर्मली हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, ये बहुत सी खाली कुर्सियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। हमारे बीच हमारे बहुत ही खास हमारे विशिष्ट अतिथि पहुंच चुके हैं जिनका इंतजार हम बहुत देर से कर रहे थे। मैं मंच पे उन्हें अब आमंत्रित करने जा रही हूं। माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि कृपया आप मंच पर आने की कृपा करें। साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण श्री संजीव चोपड़ा जी से कि आप भी कृपया मंच पर पधारें और प्रबंध निदेशक केंद्रीय भंडारण निगम श्री अमित कुमार सिंह जी, कृपया आप भी मंच पर पधारें। पर जोरदार तालियां हमारे सभी गणमान्य अतिथियों के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इसी समय का, इसी पल का बहुत देर से हम सभी को बेसब्री के साथ इंतजार था। पुनः स्वागत, अभिनंदन, आभार मंच पे पधार रही हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री। कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा,
मेरी उड़ान अभी बाकी है, तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का केंद्रीय भंडारण निगम CWC के 67वें स्थापना दिवस में सामर्थ्य में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, हृदय की गहराइयों से आप सभी का आभार है आज यहाँ पहुँचने के लिए। हम सभी जानते हैं केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना 2 मार्च 1957 को हुई। निगम का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं प्रदान करना है। केंद्रीय भंडारण निगम को ISO सर्टिफिकेशंस प्राप्त है। केंद्रीय भंडारण निगम के गोदामों का नेटवर्क संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। इन गोदामों में कृषि उत्पादों से लेकर औद्योगिक उत्पादों तक के भंडारण की सभी सेवाएं प्रदान की जाती है। निगम 14 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 111 लाख मेट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले 458 गोदामों का संचालन कर रहा है। 6 दशकों की अवधि में निगम ने अतुलनीय विशेषज्ञता हासिल की है और देश के अधिकांश किसानों और व्यापारियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अग्रणी विशिष्ट एजेंसी के रूप में भी अपने आप को उभारा है। केंद्रीय भंडारण निगम अखिल भारतीय स्तर पर अपनी उपस्थिति के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ये निगम लगातार आगे बढ़ते हुए उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है, जो भविष्य में राष्ट्र को केंद्रीय भंडारण निगम की सफलता की याद दिलाएगा। इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और निवेदन करते हैं आप सभी से, कहते हैं देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। सर्वप्रथम हम राष्ट्रीय गान के साथ शुरू करना चाहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि जहां पर भी आप बैठे अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं। काइंडली राइज इन योर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। राष्ट्रीय गान के लिए कृपया सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर शुरुआत करते हैं नेशनल एंथम के साथ। कृपया अपने स्थान पर सभी बैठ जाएं। हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है किसी भी उत्सव की शुरुआत, किसी भी कार्य की शुरुआत हम हमेशा ईश्वर के नाम के साथ करते हैं, दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं, लैंप लाइटिंग के साथ करते हैं। हम हमारे मंचासीन सभी अतिथियों से निवेदन करना चाहेंगे, कृपया लैंप लाइटिंग के साथ आप आज के उत्सव, आज के प्रोग्राम को शुरू करने की कृपा करें। हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के प्रोग्राम का शुभारंभ करें माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। चलते हैं अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर। दीप प्रज्वलन, ईश्वर का नमन करते हैं और उनकी स्तुति के साथ इस कार्यक्रम को, इस उत्सव को, महाउत्सव को आगे लेकर चलते हैं। दीप प्रज्वलन के बाद आगे बढ़ते हैं और एक और परंपरा है, एक बहुत ही सुंदर परंपरा जिसमें हम कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथियों का स्वागत सत्कार करना हमारा परम धर्म माना गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री अमित कुमार सिंह जी से कि हमारे माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी का अभिनंदन करें और एक खास अंदाज में हमारे माननीय मंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत, सत्कार, आभार, यहाँ पहुँचने के लिए उनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं और तालियों के साथ सभी की ओर से पुनः एक मीठा सा अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। निवेदन है अमित जी से कि श्री संजीव चोपड़ा जी का अभिनंदन करेंगे एक बार फिर से पुनः इसी अंदाज में। जोरदार तालियों के साथ हम सभी जुड़ जाते हैं स्वागत में। बहुत बहुत स्वागत, सभी का स्वागत करते हुए, पुनः अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं और अब हम सर्वप्रथम प्रबंध निदेशक श्री अमित कुमार सिंह जी से निवेदन करते हैं कि कृपया आप अपने उद्बोधन के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए पधारे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। CWC से जुड़ी तमाम जानकारियां और जो सभी उपलब्धियां हैं उनसे आपने हमें अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हम निवेदन करते हैं श्री संजीव चोपड़ा जी से, IAS सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण से, कि कृपया सर आप आएं और अपने संबोधन को प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है श्री संजीव चोपड़ा जी का, जोरदार तालियों के साथ अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
पांच वर्षों से सीडब्ल्यूसी को एक्सेलेंट रेटिंग्स मिल रही है, इसके लिए वाकई सभी बधाई के पात्र हैं। एक चमकते हुए सितारे की तरह, उगते हुए सूरज की तरह सीडब्ल्यूसी चारों तरफ अपनी रोशनी फैला रहा है। अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम निवेदन करना चाहेंगे, उन्हें बुलाना चाहेंगे जिन्हें हम सब लोग सुनना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण पदों को संभाला है। एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ व्यक्तित्व जो हमारे बीच आज मौजूद है, करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री अश्विनी कुमार चौबे जी का, माननीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री। बहुत जोरदार तालियों के साथ एक प्रेमपूर्ण अभिनंदन, बहुत स्वागत। सामर्थ्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर हमें बढ़ना है। जितना उत्पादन महत्वपूर्ण है उतना ही उसका संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि माननीय मंत्री जी ने हमें बताया, अपने वचनों से हमें कृतार्थ किया, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके मार्गदर्शन में। केंद्रीय भंडारण निगम नई ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसी हमारी आशा है, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ सुश्री संगीता रामरखियानी जी से, निदेशक कार्मिक से, हम निवेदन करते हैं कि कृपया धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिसके बाद हम आज के सांस्कृतिक प्रोग्राम को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए। और अब हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से और हमारे मंच पर मौजूद अन्य अतिथियों से कि कृपया ऑडियंस स्टैंड्स दर्शक दीर्घा में जाकर अपने स्थान को प्लीज अब ग्रहण करें, ताकि हम इस प्रोग्राम को, कल्चरल इवनिंग को, सांस्कृतिक संध्या को अब शुरू कर सके। हम इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से उस प्यारी सी आवाज का, या कहें कि वो तीन हमारे जो प्लेबैक सिंगर्स आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी मेलोडियस आवाज में कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास परफॉर्मेंसेस हम सभी के लिए आज लेकर आए हैं। स्पेशली मुंबई से आज पधारे हैं और हमारे बीच अब अपने बैंड के साथ अपनी परफॉर्मेंस को शुरू करने जा रहे हैं। हम सुन चुके हैं साइली कामले को, जो थोड़ी देर पहले भी परफॉर्म कर रही थी हमारे बीच। इंडियन के टॉप 8 कंटेस्टेंट्स में वो रह चुकी हैं, जजेस की तो क्या, मुझे लगता है कि ऑडियंस की भी वो फेवरेट रही हैं। अब जो मंच पे आएंगे उन्हें प्यार से एक एक कहते हैं, उनका नाम है आशीष कुलकर्णी। एक सिंगर तो वो है ही जो हम जानते हैं, वो एक सॉन्ग राइटर भी हैं। बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो उन्होंने खुद लिखे हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर वो अपलोड करते रहते हैं और जिन्हें मिलियंस ऑफ लाइक्स एंड फॉलोअर्स मिले हुए हैं। इन्हें बचपन से गाने का शौक रहा है और ये भी इंडियन आइडल 12 के एक बहुत ही पॉपुलर कंटेस्टेंट रहे। थैंक यू वेरी मच, पर अभी तो गुड नाइट का समय नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारी सेलिब्रेशन बाकी है। आज मस्ती का जो कारवा है वो चल रहा है और हमारी जो अगली परफॉर्मर है, जिनकी आवाज एक मुझे कहना चाहिए रूहानी आवाज है, जो सूफी की सुल्ताना कही जाती है, कुछ ऐसे गीत उन्होंने गाए हैं कि उन्हें कहा जाता है कि वाकई अगर सूफी की बात हो, अगर सूफी गीतों की बात हो तो सिर्फ वो ही है और उनके अलावा कोई नहीं। हमारे बीच आने जा रही है एक ऐसी परफॉर्मर, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी आर्टिस्ट जिनको कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। शी इज अ वेरी वेरी पॉपुलर परफॉर्मर, अ वेरी वेरी फेमस सिंगर। अब उनका बैंड अपनी जगह ले रहा है मंच पे, हमें कुछ समय लग सकता है बिकॉज ये चेंजिंग द आर्टिस्ट एंड न्यू आर्टिस्ट आर जॉइनिंग अस हियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे ये परफॉर्मर ने सिर्फ बॉलीवुड में हिंदी सॉन्ग्स ही नहीं गाए हैं, उन्होंने पंजाबी भी गाए हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स भी गाए हैं और सूफी तो आप इनके सुनते ही आ रहे हैं। इनकी आवाज जो है इन्हें ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर की फिल्म तक ले गई और एक गाना जो ए आर रहमान साहब ने कंपोज किया था उस गीत को इन्होंने गाया। रॉकस्टार का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग, बहुत पॉपुलर नंबर जो हम सब ने एंजॉय किया है, कतिया करूं। कितने लोगों ने ये नाम गाना सुना है? कम लोगों ने, हाँ ओके। कतिया करूं इनका बहुत ही फेमस ट्रैक है जो इन्होंने गुनगुनाया अपनी आवाज में। और फिर वो फिल्म राजी जिसका गीत दिलबरो तो हमारे दिलों में राज करता है, इस गाने के लिए इन्हें बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा गया। आइफा अवार्ड्स में इन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का अवार्ड मिला है, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड मिला दिलबरों के लिए, स्टार स्क्रीन अवार्ड भी इसी गाने के लिए इन्हें मिला और जी सिने अवार्ड भी इस गीत के लिए जीता।
रईस में एक बहुत फेमस सॉन्ग जालिमा इनकी आवाज में हमने सुना, और अगर पहले की पिक्चरों के लिए बात करें कॉकटेल और रंग दे बसंती, उनमें भी इनके गीत हैं। दोस्तों एक बहुत ही सुंदर आवाज जिन्होंने काफी सारे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे इन्होंने जीते भी हैं। शी इज बीन द विनर ऑफ अ फ्यू रियलिटी शोज और वहां से फेमस होते होते उसके बाद बॉलीवुड में आज ये राज करती हैं। जुगनी जी एक ऐसा गीत रहा जो इनकी आवाज में हम सबने बहुत लाइक किया है। बहुत सारे फंक्शंस में, प्रोग्राम्स में, उत्सवों में हमने गाना सुना है, जिस पर हमने डांस किया है, एंजॉय किया है, हम सब लोग थिरके हैं। वो बहुत फेमस सॉन्ग इन्हीं की आवाज में हमने सुना है। द लेडीज एंड जेंटलमैन, आर वी ऑल रेडी टू इनवाइट हर? आर वी ऑल रेडी टू इनवाइट हर? राइट, सो वेल, कुछ समय हमें अभी लगेगा, दो चार मिनट लग सकते हैं, बिकॉज चेंज ओवर इज हैपनिंग एंड हमारे एक नए बैंड का हम वेलकम कर रहे हैं मंच पे, जो इनका बैंड है लेडीज एंड जेंटलमैन हर्षदीप कौर, मंच पे आने वाली है थोड़ी ही देर में। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप बैठे रहें प्लीज, एंड वेरी सून शी इज गोइंग टू बिगिन विद हर सोलफुल नंबर्स। कुछ बहुत ही सुंदर नगमे हम सबके लिए गाने वाली हैं, गुनगुनाने वाली हूँ, और आज मस्ती भरे संगीत के साथ आज हम सब लोग झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और बहुत सुंदर, बहुत ही मीठी यादों को यहाँ से लेकर वापस लौटेंगे। दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि शाम जवां है, चिरागों को जलाते चलिए, दिल के अरमां गीत गजलों में गुनगुनाते चलिए। शाम जवां है, चिरागों को जलाते चलिए, दिल के अरमां गीत गजलों में गुनगुनाते चलिए। आप जैसे मेहमा हैं तो ये महफिल जन्नत है, कुछ हमारी सुनिए, कुछ अपनी सुनाते चलिए। सुनने सुनाने के दौर को कंटिन्यू करते हैं। अभी साइली हमारे बीच में थी, उसके बाद आशीष कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े, कुछ सोलो नंबर्स के साथ उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद ड्यूएट नंबर भी हमारे लिए प्रेजेंट किया फाइनली। एंड क्योंकि हमारी एक और आर्टिस्ट हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए हमें उन्हें कट शॉर्ट करना पड़ा, अदरवाइज अगर मौका होता तो और कुछ नंबर्स हम जरूर उनकी प्यारी आवाज में सुनते। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी सून इन अ फ्यू मोमेंट्स वी आर अबाउट टू इनवाइट दिस वंडरफुल वॉइस ऑफ इंडिया, आई मस्ट से, ये भारत की वो आवाज है जो सूफी की सुल्ताना के ताज से नवाजी गई है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि सूफी यानी हर्षदीप कौर। लेडीज एंड जेंटलमैन, She's about to arrive and we're taking a few more moments to set the technicalities of the band and then we'll all be enjoying her beautiful performance, the live in concert for which all of us are very, very eagerly waiting for. बहुत से लोग वहाँ entrance के पास खड़े हैं, बैठ क्यों नहीं जाते भाई? Please आप अपने अपने स्थान पर बैठें और काफ़ी कुर्सियाँ खाली हैं इस तरफ, बैठ जाएं। जितने लोग भी खड़े हुए हैं वो प्लीज बैठ जाएं, और जो लोग बैठे हुए हैं अगर कुर्सी आपने छोड़ दी तो कोई गारंटी नहीं दोबारा मिलेगी, आप प्लीज वहीं बैठे रहें, बिकॉज द नेक्स्ट वन आवर, वन एंड हाफ आवर इज गोइंग टू बी अमेजिंग, इज गोइंग टू बी फुल ऑफ सम ब्यूटिफुल मेमोरीज व्हिच ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू कैरी बैक होम। सो बी रेस्ट अश्योर्ड कि कुछ बहुत सुंदर, कुछ बहुत अमेजिंग, कुछ बहुत म्यूजिकल, कुछ बहुत मेलोडियस हमारे सामने आने वाला है। मुझे सबसे ज़्यादा हर्षदीप की ये बात पसंद आती है कि इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो बाकियों से कम्प्लीटली अलग है। द वे शी ड्रेसेस अप, और जिस प्रकार से मैंने अक्सर देखा है कि एक ओंकार के साथ अपनी परफॉर्मेंसेस को शुरू करती हैं, अपने संस्कार, अपने कल्चर को फॉलो करते हुए, एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर अंदाज जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसके साथ शुरुआतें अक्सर किया करती हैं, और उसके बाद कुछ खास नंबर्स को बहुत ही मीठे अंदाज में ये प्रेजेंट करती हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली द वेट इज ओवर एंड वी हैव गॉट अ हेड्स अप फ्रॉम द टीम दैट दे आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू प्रेजेंट देयर लाइव परफॉर्मेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले तो हम सभी आर्टिस्ट के लिए, सहयोगी कलाकारों के लिए, सारे बैंड के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं, और इनके साथ साथ अब मैं उन्हें इनवाइट करने जा रही हूं जिन्हें हम सुनना चाहते हैं बेसब्री के साथ, उन्हें अब देखना भी चाहते हैं मंच पर। यही कहना चाहूंगी उनके लिए, उनकी आवाज के लिए, कि सभी से जुदा जिनका अंदाज है, क्योंकि बहुत ही अलग इनका अंदाज है, अलग तरीके से गाती है, अलग इनकी आवाज है, कि सभी से जुदा जिनका अंदाज है, जमीता फलक जिनकी परवाज है, संगीत को भी
संगीत को भी जिन पर नाज है और कोई नहीं हर्षदीप कौर की बहुत ही प्यारी सी आवाज है। जोरदार तालियां हर्षदीप कौर के लिए। बहुत जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं एवरीबॉडी, बहुत जोरदार तालियां फॉर द वन एंड ओनली सूफी की सुल्तारा हर्षदीप कौर। थैंक यू एवरीबॉडी, एक बार जोरदार तालियां फॉर माय अमेजिंग बैंड एवरीबॉडी एंड फॉर ऑल यू लवली पीपल। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री अमित कुमार सिंह जी से, जो प्रबंध निदेशक हैं केंद्रीय भंडारण निगम के, कि कृपया मंच पर आकर हमारे कलाकारों को सम्मानित करने की कृपा करें। हर्षदीप कौर जो कि एक बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस आज यहाँ पर प्रेजेंट कर चुकी हैं, उन्हें अब हम एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट देना चाहेंगे CWC की ओर से। मैं प्लीज रिक्वेस्ट आवर रिस्पेक्टेड MD सर टू काइंडली प्लीज जॉइन अस ऑन द डायस एंड प्रेजेंट अ टोकन ऑफ appreciation for Harshdeep, and this will be followed by appreciating her team as well. Harshdeep ji, aapka bahut bahut swagat ek baar phir se manch par. Zordaar taaliyan ho jaye Harshdeep Kaur ke liye is bahut hi khoobsurat, bahut hi umda performance ke liye. Once again, zordaar taaliyan Harshdeep ke liye. Is chote se lamp ki tarah jo roshni jalayenge aapke jeevan mein bhi aise roshni rahe aur खूबसूरती रहे, इसी आशा के साथ अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। और हम सभी ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स से, सभी बैंड मेंबर्स से निवेदन करते हैं कि एक साथ आ जाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी दैट वी शेयर टुगेदर। एक म्यूजिकल जर्नी पे हमने एक साथ सफर किया है और कुछ बहुत ही सुंदर खूबसूरत सूफी नंबर्स हमने यहाँ पर एंजॉय किए। हर्षदीप का अपना ही अलग एक अंदाज है और अलग है वो, जुदा है बाकी कलाकारों से। बहुत ही सॉफ्ट टोन रहती है उनके गानों में और एक बहुत ही खास अलग ही अपना स्टाइल, अपना अंदाज रहता है, तभी उन्हें सूफी की सुल्ताना कहा जाता है। कुछ बहुत सुंदर नंबर्स जो बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर एंड हिट नंबर्स, सुपर हिट नंबर्स जो यहाँ पर उन्होंने हमें सुनाए। हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो हमारे मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं वो कृपया प्लीज मंच पर पधारें। और धन्यवाद है आज हर्षदीप और उनकी पूरी टीम का, हम धन्यवाद करते हैं साइली का भी, हम आशीष कुलकर्णी का भी धन्यवाद करते हैं, उनके बैंड का भी धन्यवाद करते हैं, सभी कलाकारों का, सभी आर्टिस्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सुंदर आज की सेलिब्रेशन जिसे हमने शुरू किया कुछ मीठे नगमों के साथ, उसके बाद सूफी नंबर्स के साथ हमने आज कंक्लूड किया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, डिनर इज वेटिंग, आई एम श्योर दैट एवरीवन इज हंग्री, एंड बहुत ही स्वादिष्ट लजीज व्यंजन इंतजार कर रहे हैं। फिर से मिलेंगे आपसे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।